देख तुझे कोई बुला रहा है। या हमारे बड़े भैया घर मालिक बाबूजी के कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो हमारे सिंगार घर में आने का कष्ट करे, कंपनी मालिक याद कर रहे हैं। सरोज तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं इंसाफ दिलाऊंगा अपने भैया। हेलो या गए ठाकुर दिनेश सिंह जो खैरहना के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से सरोज के काम पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम दे रहे पार्टी, शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद। बापू की लाश को और इनका अंतिम संस्कार हम करते हैं। बोले ना बाबू, हम किसके सहारे से
हरी राम भाई, तुम बदन तापने लगते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। दबा के मार डालेगा क्यों? गला दबा के मार डालेगा, गला दबा के मार डालेगा, हाथ ना उठे फिर क्यों गला दबाएगा? अच्छा अच्छा, मान लो कि गला भी दर्द करने लगी, ठीक है बैठ जा बैठ जा बैठ जा। शेर सिंह कहाँ गया? तू तो साथ ही उसके रहता है। नहीं बाबू, आज हम साथ में नहीं गए। कहाँ है वो? पता पता कि हम सभा करवाया था उसे, ठीक हो गया है, पैर तो नहीं फच्चर हुआ था, फच्चर हुआ लेकिन बच गया है। क्यों? दवा हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, राजकुमार का शक रहे, रानी साहिबा से भी मुलाकात नहीं। पहले बेटे को समझा दूं, उसके बाद रानी साहिबा से मुलाकात करने जाऊं। गारे हरि नमो द्वारपाल, द्वारपालों चले गए। शेर सिंह कहाँ है? कहाँ घबराया हुआ काहे को है शेर सिंह? वो क्या रेडी, सेंध में घुसा था क्या? नहीं रेडी, नहीं नहीं घबराया तो इतना देख लो रहे हो जैसे सेंध से निकल के आया। वो क्या रेडी, ये तो पहले ही बता दिया कि मैं जवान हो चुका हूँ। अच्छा, ये जवानी के आलम में घूम रहे हैं तो सेंध में घूम गया था डैडी? क्या बात है, वो क्या खून हो गया डैडी? खून हो गया? हाँ डैडी। अरे खून कोई तमाशा है, किसका खून हो गया? वो क्या डैडी, हम सरोज से मिलने गए थे। अच्छा, उसके डैडी ने मुझे उल्टी सीधी बातें कहने लगे, हमने गोली मार दिया डैडी। क्या तू गोली मार दिया? हाँ डैडी। टीपू किसान को? हाँ डैडी। कारे पे खून? किसी की लौंडिया को? उसके बाप के सामने कोई छेड़ेगा तो कार्य उसकी पूजा करेगा, वो आरती उतारेगा, मारेगा नहीं, मारेगा नहीं, मारेगा नहीं, मारू मारू सुना फिर क्या? हमने तो पहले ही बता दिया था कि हम उससे प्यार करते हैं। मार दिया गोली और आप अपने कान में उंगली डालकर बैठे हैं ना। अच्छा, मैंने कहा कि उससे मेरी शादी करवा दो ना, उससे प्यार करते हैं ना हम। अब तू मरेगा कुत्ते बाप का राजा है। देखो किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं। वो क्या डैडी, वो विजय राजकुमार है ना, उसने सब कुछ जान लिया है और देख भी लिया है। गोली मारते हुए तुझे देख लिया है? हाँ डैडी। अब तू मर जाएगा, अब तू मर जाएगा, अब तू मर जाएगा, अब मैं फिर औलाद हो जाऊंगा, मर जाएगा। तेल लगाओ, मर गया। चाहता है अब राजकुमार महाराजा जय के पास जाएगा, महाराजा जय सिंह के पास जाएगा, उनसे कहेगा, जानता है मुझे वो आदेश देंगे, मंत्रीवर अपने बेटे शेर सिंह को फांसी पे चढ़ा दो।
मैं अपने हाथों से तेरी फांसी दे दूंगी। मेरी फांसी देंगे डैडी? इसकी फांसी हो जाएगी, आप निर्वंशी हो जाएंगे। हाँ वो तो सही बात है, निर्वंशी तो हो ही जाऊंगा। क्यों डैडी? इसकी वजह से, तेरी वजह से, मेरी वजह से ना। फिर डैडी हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? मैंने आपसे कई दफे बता चुके हैं कि मेरी शादी कर दो, हम सरोज से प्यार करते हैं। अगर कोई रोकेगा तो ये नहीं, आप भी मेरे सामने आएंगे तो हम आपको भी गोली मार देंगे। कार्य मुझको गोली मारेगा तेरे। एक 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 बात बता रही हूँ, गोली मुझको मारेगा, गोली मारेगा। सबसे ज्यादा तो हमका चिंता इसकी जवानी का है। अब बार बार कह रहा है कि मैं जवान हो गया, मेरी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, नहीं तो बच बचा के रहना मालिक। अच्छा हमारे तो पर तुम पड़े कार्य है जवान नहीं कहे, मान लो कि धोखा। डैडी एक काम कर, तू यहाँ से चला जा। कहाँ को चला जा? बम्बई को। वहाँ क्या करना है? मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तुम क्या? लेकिन करना क्या वहाँ? वहाँ जब तक तू नहीं आएगा यहाँ, जब तक ये सब हम मामला को रफा दफा न करते, समझ गया? सरोज नहीं मिलेगी ना, सरोज मैं मर जाऊंगा डैडी। सरोज को क्या चाटेगा या भुजिया बनाकर खाएगा तू? प्यार करते हैं ना डैडी, वो तमाचा मारेंगे बिटवा कि अभी पसी बाहर आ जाए। वो बात तो ठीक है डैडी, मुझे मार डालो, कोई गम नहीं। लेकिन अभी 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 टिकट लेके इसे गाड़ी पे बैठा दे। लेकिन डैडी कितने दिन लगेंगे वहाँ? जब तक यहाँ रफा दफा ना कर दूंगे सारे मामला पे। वकूफ जा जा जा, हमको निर्वंशी क्यों कहलवाएगा? जल्दी रफा दफा क्यों नहीं, उम्र से बेउम्र हो जाए। डैडी जल्दी बुला लेना। अरे बुला दूंगा, जा यहाँ से जा, देख लेना उनको डैडी, उस साले ने मेरे पीछे बाबू क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। हाँ बाबू, मेरे बेटे की फांसी हो जाएगी। बाबू मैं निर्वंशी, तू से कहता है निर्वंशी। कहते हैं कि दिन का रात का दीपक चंद्र है, रात का दीपक चंद्र है, ओ दिन का दीपक भान, ओ कुल का दीपक पुत्र है, ओ मुख का दीपक पान, ये चारों बिना सारा अधूरा है। आपका बेटा है, मान लो फांसी हो गई तो आप तो बिना बेटे के हो जाएंगे मालिक, कुछ सोच ही उपाय लगा मालिक। सोच लिया रे जी, तूने नीत वो राजनीति देखी होगी। हाँ? नीत देखी होगी? नहीं, नीच तो नहीं देखा। नीच नहीं रे, नीत नीत है। हाँ। नीत देखा होगा। हाँ? लेकिन नीत नहीं देखा होगा। ये ठाकुर नीच कौन है? ठाकुर नीत, ठाकुर नीत नहीं, ठाकुर नीच। ठाकुर नीच, तूने ठाकुर नीत नहीं देखी होगी, समझा? राजनीत कुर्सी के लिए लड़ जाती है। और नीत किस लिए लड़ी जाती है? किस लिए मालिक? किस लिए? फेर का फेर। अच्छा, और ठाकुर नीत, ठाकुर नीत में इंसान बर्बाद हो जाता है। अब मेरे साथ था और ये किसी से बताना नहीं रे, तू भी इस रात का वर्कर है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं, वर्कर है ना, किसी से कुछ बताना नहीं, कुछ नहीं। कि मंत्री विक्रम सिंह क्या कर रहा है जानता है? हाँ? कुछ दिन के बाद मैं यहाँ का महाराज हो जाऊंगा, तुझे मंत्री बना।
आप यहाँ के महाराज हो जाएंगे? मुझे अपना मंत्री बना देना। अच्छा, जब हम यहाँ के मंत्री हो जाएंगे तो तुम्हारे बेटे के जैसा मेरा भी बेटा करेगा, और जो तुम करने जा रहे हो उसके बाद हम तुम्हारे साथ करेंगे। अब ना जाने क्या करने जा रहे हैं। रानी मेरे भी साथ घात करके राजा बन जाएगा। नहीं नहीं, तुम आगे आगे करो, हम सिखत रहा तुम्हारे पीछे पीछे। नहीं, तुम आगे करो, हम तुम्हारे पीछे करेंगे। हमारे पीछे करेंगे जो तुम करोगे, करने के बाद तुम्हारे पीछे बाद में करेंगे। वक्त आने दे। तुम्हारे पद को मार दूं? रानी साहिबा, अकल से काम लो। अगर तुम्हारे पद को इस वक्त मार दूंगा तो सारे राज्य में बगावत फैल जाएगा। बगावत इसलिए जो मैं कहूँ उसको करो रानी साहिबा। हाँ हाँ, करूंगी। क्या करना चाहती है? जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ हाँ हाँ, जरूर करूंगी। मेरे पास आओ, अपना हाथ मुझे दो, मेरे सर पे रखो। जो मैं कहूंगा वो करोगी? तो करना ही काम तुमको महारानी। लेकिन काम क्या करना है मुझे? करना रानी साहिबा, क्या है? जय चहल रानियों में तुम्हें तेरा ये जहल।
चाहे थे तुमको राजन अरे राजा जानी ये तो बहुत सरल काम है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि महाराजा जय सिंह तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम प्यार से जहर खिलाओगी तो वो प्यार से जहर खा लेगी और जहर खाने के बाद उनका काम तमाम हो जाए। ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ। उसके बाद इस राज में जाओ रानी साहिबा, जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। जाओ जाओ रानी साहिबा, अपने पत को जहर खिलाओ। अपने भाई से कह के मंत्री पद से बेदखल कर, मंत्री पद से बेदखल करवाने चला। अब हम तुझको तेरी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। देख तेरी भौजाई अपने ही पति को जहर खिलाने जा रही है, तेरा भाई संसार से खलास होगा। तुझे तो मैं जब चाहूंगा जब अपने टुकड़े करके फेंकूंगा कि इस राज का कोई शख्स गिन भी नहीं सकेगा। तुम कहाँ थे? मालिक ड्यूटी पर तैनात हूँ। वो कहाँ गई? मालिक वो भी कहीं ड्यूटी पर होगा। अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया किसकी बात कर रहे हैं? हम अपनी तारा रानी की बात कर रहे हैं। अच्छा भाभी जी की बात कर रहे हैं? कहाँ है वो? मेरे भैया वो अपना स्नान ध्यान करके श्रृंगार करके अपने बैठक रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम उन्हें खुद इंतजार करते हैं। तो ठीक है भैया, आप उनका इंतजार करिए, अगर प्रेम होगा तो आप ही के पास आ जाएंगे। हाँ, हाँ।